आपने आज तक एक बार ना एक बार तो ये बात सोचा होगा कि हम लोग के पास जो क्वाइंस होते हैं क्या हम उसको डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम सोचते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन गाइस अगर मैं आप लोग से बोलूं कि ये चीज़ पॉसिबल है लेकिन कैसे, पूरी वीडियो को देखना, ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकता है। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को इन तक देखना और मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगा वीडियो स्टार्ट करने को। प्लीज़ गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं गाइस 34K का, और ये 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर अच्छे लगते हैं क्या भाई यार? 3 मिलियन करा दो भाई लोग, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिफ्थ नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। आप लोगों ने एक आध बार रैंक मैच तो ऐसा आया होगा आपके लाइफ में, जब भी आप गेम खेलते होंगे तो बॉट्स आ जाते होंगे अभी के समय पे, ठीक है? तो बॉट्स आने के बाद उसमें क्या होता है कि वो जो बॉट होते हैं वो आपसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं भाई, या ये कोई झूठ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप उनके सामने जस्ट 1 सेकेंड से ज़्यादा रुक गए, विथआउट ग्लूअर लगाए सीधे खड़े हो गए या फिर कुछ भी मोमेंट नहीं किए, तो वो सीधे आपको 1 से 2 गोली के अंदर टपका देंगे। यस गाइस, ऐसा मेरे साथ हो चुका है बहुत बार। और आप लोग सोचते हो कि आखिर इतना ओवर पावर किया क्यों, ठीक है? पहले अच्छा था भाई, पहले बॉट वगैरह बस इस जगह खड़े रहते थे, उनको मार करके अगर वो रैंक मैच में आ गए तो उसको हम लोग मार करके हेडशॉट अपना रेट बढ़ा सकते थे। बॉट्स को इतना ओवर पावर बनाने का पहला रीज़न ये है कि जितने भी पुराने प्लेयर थे, जैसे कि आप हो, हम हैं, या फिर जितने भी नए प्लेयर जो गेम को समझते हैं, वो गाइस अगर पुराने बॉट्स जो होते थे वो जैसे ही गेम के अंदर आते थे वो बैक कर लेते थे, ठीक है? क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं होता था उन बॉट्स से, वो जानते थे कि ये बॉट्स कुछ नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है गेम को खेल करके, मन ही नहीं लगता था गेम खेलने में। और दूसरा रीज़न ये है कि बाकी गेम्स में जितने भी बॉट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, ठीक है? और जो पुराने फ्री फायर के बॉट होते थे वो बिल्कुल डैमेज नहीं देते थे, क्योंकि गाइस जो पुराने बॉट्स होते थे फ्री फायर के, उनका जो प्रोग्राम था वो 2017 का प्रोग्राम था, ठीक है? मतलब समझ लो उनका जो माइंड चलता था वो 2017 के हिसाब से चलता था, ठीक है? और अभी तो उनके साथ ग्लूअर लगा करके फाइट करनी पड़ती है भाई, और अगर उनके हाथ में G18 है ना तो भी बच के रहना, क्योंकि वो AWM के 1 गोली के बराबर डैमेज देते हैं। फोर्थ में पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि लगभग मैं आप लोग के 1000 डायमंड खर्च होने से बचा सकता हूं, और आप लोग वो 1000 डायमंड से कुछ और भी कर सकते हो जो आप लोग रोज़ाना या फिर हफ्ते में एक बार या फिर महीनों में एक बार तो करते ही हो, ठीक है? तो गाइस जो भी टॉप अप नहीं करता है उसकी बात भी अलग है, वो भी फ्री में ले सकता है। लेकिन कैसे, मैं बताता हूँ। आप लोग EXP कार्ड खरीदते होगे गाइस, लेकिन अगर आप लोगों को मैं बता दूँ, देखो बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगा लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो गाइस देखो, अगर आप लोग EXP कार्ड खरीदते हो तो नहीं खरीदना, अब मत खरीदना, ठीक है? तो गाइस क्योंकि आप लोग को 2 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलता है भाई, रैंक टोकन से मिलता है, जो कि रैंक टोकन हम लोग को बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को रैंक मैच खेलना है, देन उसके बाद आप लोग 60 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, आपके लगभग 800 या 900 डायमंड बच जाएंगे आराम से। तो थर्ड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग रैंक मैच खेलते होंगे, ठीक है? रोजाना खेलते होंगे आप लोग, एंड गाइस जितने भी लोग रैंक मैच खेलते हो ना, आप में से बहुत लोग के लिए एक सैड न्यूज़ है। आप में से कुछ लोग को ये बात पता होगी, जहाँ तक मुझे पता है कि गाइस हमारा परगेटरी मैप रिमूव हो चुका है हमारे फ्री फायर से। और मैं सच बताऊँ तो आज से कुछ दिनों पहले मैं ये चीज़ आप लोग को बता चुका था कि परगेटरी मैप रिमूव होने वाला है, और वो रिमूव भी हो गया। एंड गाइस अगर मैं आप लोग से बोलूँ कि परगेटरी मैप अब वापस आने वाला है, ठीक है? लेकिन कैसे आएगा, जो नेक्स्ट OB अपडेट आने वाला है उस अपडेट में गाइस हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस 90% चांस है कि हम लोग का परगेटरी मैप वापस आ जाए। क्योंकि अल्पाइन मैप में पता है गाइस आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा बहुत लोगों को ये मैप, और आप लोग बताना गाइस कि आप लोग अल्पाइन मैप को चूज़ करोगे या फिर परगेटरी मैप को। मैं तो परगेटरी चूज़ करने वाला हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक मिनट गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग का 20 सेकंड लेने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं 1xBet के बारे में। ये कैसा एप्लीकेशन है जहाँ पे अपने पसंदीदा टीम के जीत से पैसे कमा सकते हो। BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, वैलोरेंट या फिर लीग ऑफ लेजेंड टूर्नामेंट मैच की परिणाम की भविष्यवाणी करो और एक बड़ा लाभ प्राप्त। ये बहुत ही भरोसेमंद ऐप है जिसके सहायता TSM इंडिया, ESL, Vplay, IPL के चैंपियन, प्रसिद्ध क्रिकेटर युवराज सिंह, FC गोवा, बेंगलुरु बुल्स और भी बहुत सारे हैं। कमेंट बॉक्स पे दिए गए लिंक से रजिस्टर करो और पाओ 26,000 तक बोनस। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं या गाइस आपका फेवरेट गाइस, कि हम लोग गोल्ड को डायमंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या गाइस देखो, ये चीज़ तो अभी पॉसिबल नहीं है अभी करना, लेकिन आने वाले समय पे, मतलब या कुछ दिनों में ही
लाखों में हजारों में जो हम लोग के पास क्वाइन पड़े रहते हैं उन सभी क्वाइनों को हम लोग डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस फ्री फायर अब इतना भी तो अच्छा नहीं है कि अब हम लोग को एकदम सिंपल में दे देगा कि लो भाई क्वाइन लाओ और डायमंड ले जाओ, ऐसा तो करेगा नहीं। कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेटेजी कुछ अलग होने वाला है, मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस उससे पहले एक बार लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो मैं याद दिला रहा हूँ बस आप लोग को। और गाइस देखो यहाँ फ्री फायर एक स्ट्रेटेजी अपना सकता है, वो पुराना स्ट्रेटेजी जो कि आज से 3 साल या 2.5 साल पहले फ्री फायर करता था, जो कि है गाइस वॉच एंड अर्न। लेकिन गाइस इस बार फ्री फायर डायमंड की जगह हम लोग को देगा क्वाइन, ठीक है, क्वाइन ही देगा। और सबसे नीचे बॉक्स में हो सकता है कि आप कम से कम 20 ऐड देखना हो, और 20 ऐड जो आप 19 ऐड देखोगे तो आपको क्वाइन मिलेगा, 19 बार क्वाइन मिलेगा। लेकिन लास्ट बार में आपको एक बॉक्स मिलेगा जो कि हो सकता है जिसके अंदर डायमंड निकल सकता है, एक डायमंड भी निकल सकता है एंड 10 डायमंड भी निकल सकता है, मतलब 10 डायमंड के बीच में निकल सकता है। लाइक इस तरीके का बॉक्स मिल सकता है हम लोग को, या फिर इस तरीके का इवेंट में वॉच एंड अर्न में फ्री फायर दे सकता है। और गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो, ठीक है, तो गाइस कहीं ना कहीं ये फ्री फायर के मॉडरेटर्स देख सकते हैं, तो आप लोग प्लीज गाइस इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन तक पहुंच पाए, तो अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर करना। फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है जो हम लोग फ्री फायर के अंदर जो फिस्ट की स्किन है उसके अंदर एबिलिटी या फिर एट्रीब्यूट्स जो भी आप लोग बोलते होगे वो क्यों नहीं है? अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप लोगों ने आज तक कभी फिस्ट फाइट की है फैक्ट्री के ऊपर, या गाइस ऑफ कोर्स ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, आप में से सभी लोगों ने किया होगा, 99.9% लोगों ने जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड गाइस देखो ये चीज़ नॉर्मल है, सब ने किया है, मैंने भी किया है। और आप सोचो कि अगर आप फिस्ट फाइट कर रहे हो, ठीक है, कला कैरेक्टर लगा करके, जो कि गाइस सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, लोग उसको मतलब लगाते रहते हैं, कला कैरेक्टर को ऑलवेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट्री पे उतरते हैं अधिकतर वो भी। एंड गाइस आप लोग को बता दूं कि जिसके पास अगर मान लो कि आप कला कैरेक्टर से खेल रहे हो और फीस्ट के अंदर कोई बड़ी बढ़िया एबिलिटी आ गई और आप टॉप अप प्लेयर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला टॉप अप प्लेयर रहेगा वो अपनी फीस्ट के स्किन के साथ आपको मार ही देगा ना। तो गाइस इसलिए यहाँ पे फ्री फायर ये नहीं चाहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग जिसके पास भी टॉप अप प्लेयर जो नहीं है, वो अधिकतर लोग लाइक सर्वाइव करने के लिए जो नए प्लेयर हैं वो अधिकतर फैक्ट्री पे ही उतरते हैं, ठीक है, कला कैरेक्टर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से ही कला कैरेक्टर को मतलब आगे तक रखने के लिए कहीं ना कहीं फ्री फायर इस वजह से ये फिस्ट की स्किन के अंदर पावर नहीं लाता है। एंड आने वाले समय पे ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर एबिलिटी आ सकती है, या गाइस फ्री फायर कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी यहाँ पे नहीं कुछ कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ नहीं करेगा, करेगा ऑफ कोर्स करेगा। और गाइस आप लोग से बता दो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग को मेरा रिजल्ट जानना है, मैं 12th का एग्जाम दिया था, अगर आपको मेरा रिजल्ट जानना है तो आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम पे आना होगा, मैं वहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के पोस्ट किया, आप लोग जाके देखो प्लीज गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाओ। एंड सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर दो फटाफट, ठीक है, बाय बाय, आई लव यू ऑल।